आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर एक पैसा छापने की मशीन होती है, बट डू यू नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ डॉक्टर इन इंडिया? तो जो भी फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इट इज एन अप्रोक्सीमेट डेटा विच वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो 4.5 साल MBBS करने के बाद जो एक साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है, उसमें एक डॉक्टर को 10,000 to 30,000 का स्टाइपेंड मिलता है। अगर एक डॉक्टर आफ्टर MBBS एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी होती है 60,000 to 90,000 के बीच में। वहीं एक जूनियर रेसिडेंट जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, उस बीच में उसकी सैलरी होती है 60,000 to 90,000 रुपीज। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, एक डॉक्टर जो कि अपनी SR-ship कर रहा है, उस बीच में उसको अपनी सैलरी मिलती है दैट इज अराउंड 1 to 1.5 lakhs। इससे हम लोग को ये समझ आता है कि मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स मोर अबाउट सर्विंग द सोसाइटी एंड आवर ओन सेटिस्फेक्शन।